करांगे देव भूमि हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश अगले दो दिन तक येलो अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल के हुण तक 435 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 682 सड़कों पर पानी दियां 523 स्कीम ठप हो चुकिया ने। उत्थे ही हुण तक 122 लोगों की जान चलेगी। सो कुदरत की आपदा इस कदर वापरी कि सब कुछ जल थल हो गया। लोग घरों बेघर हो गए तो उत्थे ही डंगरा पशुओं का भी बुरा हाल जाप रहा है। सो हिमाचल प्रदेश के अगले दो दिन तक येलो अलर्ट जारी किया गया तो हुण तक हिमाचल 435 करोड़ का नुकसान हो चुका है। काफ़ी नुकसान, लोग घरों बेघर हो चुके हैं। 682 सड़कों पर पानी दियां 5203 स्कीम ठप हो चुकी ने। हुण तक 122 लोगों की जान चलेगी है। बचाव कार्य जारी ने। स्थानक सरकार हरेक उपराले कर रही ने। उत्थे ही काफ़ी थावां ते लोग आप मुहारे अगे आ के समाज सेवा दे विच लगे हुए ने, लोगों को बचाने दे विच लगे हुए ने। तो जिस हिसाब के कुदरत की आपदा वापर रही है तो हरेक कोई चिंतित है, परेशान है। तो उत्थे मौसम विभाग द्वारा भी समय समय से जिहड़ा अलर्ट जारी किया जा रहा है। सो मेरे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो तो अपडेट देंगे। पवित कौर चंडीगढ़ तो जुड़े ने ते उत्थे ही देव भूमि हिमाचल तो समीक्षा राणा जुड़े ने। सब तो पहला हिमाचल का रुख करांगे। समीक्षा कहो जे हालात ने, हालांकि काफ़ी बुरिया जिहड़ियां खबरां मिल रही ने, जो आंकड़े ने बेहद डराउण वाले ने। तो कुदरत की आपदा भी निरंतर वापर रही है। तो मौसम विभाग की ताज़ा अपडेट की है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जिस तरह से कुदरत ने कहर हिमाचल में बरपाया है, लगातार बारिशों का दौर हिमाचल प्रदेश में चला है और अब फिर से चार जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुल्लू, माफ़ कीजिएगा, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा हमीरपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और अन्य क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार ये कहा गया है कि हल्की बारिश होने की बाकी क्षेत्रों में संभावना है। हालाँकि तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ऐतिहासिक रिज मैदान की सुबह की तस्वीरें हैं जहाँ पर धुंध जो है वो छाई हुई है। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में अगर कोई क्षेत्र देखिए प्रभावित हुआ है तो मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुए, जिसके बाद शिमला का भी नाम आता है। और आज फिर से येलो अलर्ट जिस तरह से चार जिलों के लिए दिया गया है, हालांकि हल्की बारिश की संभावना यहाँ शिमला के लिए भी बताई गई है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया है। 122 लोग इस दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। 800 के करीब अभी तक भी सड़कें बंद हैं और पेयजल परियोजनाओं की अगर बात करें तो लोगों को पीने का पानी तक, गांव-गांव की अगर बात करें चाहे शहर की बात करें, तो लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है क्योंकि 700 से 800 के करीब जो पेयजल परियोजनाएं हैं वो बंद पड़ी हुई हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र, जो विभाग हैं वो प्रभावित हुआ है, वो सबसे ज़्यादा पीडब्ल्यूडी हुआ है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान प्रदेश को इस वक्त हो चुका है। हालांकि सड़कों की मुरम्मत करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए प्रयास ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से भी ये अभी तक जानकारी दी जा रही है कि अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को अगर आवाजाही के लिए सड़कों को खोलना, लेकिन जिस तरह से डंगे और लैंडस्लाइड के कारण सड़कें पूरी तरह से बंद पड़ गई हैं, उन्हें अभी तक सुचारू रूप से चलाने के लिए समय लग सकता है क्योंकि मौसम अभी तक साथ नहीं दे रहा है। लगातार बारिशें एक दिन छोड़कर जरूर हो रही हैं, हालांकि दिन में भी एक आध बार जो बारिश है वो जरूर हो रही है, लेकिन राहत भरी खबर उसके बाद मौसम विभाग द्वारा भी समय समय से जिहड़ा है अलर्ट जारी किया जा रहा है। सो बने रहो साडे नाल, चंडीगढ़ तो पवित कौर भी जुड़े हुए हैं। पवित, चंडीगढ़ समेत पंजाब के जेकर हालातों की गलबात की जाए तो मौसम विभाग की कुछ अलर्ट जारी कर रहा है या फिर आने वाले किन्ने दिनों तक जिहड़ा है मौसम खराब रह सकता है? जी बिल्कुल गुरप्रीत, IMD वालों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिहड़े दसे जा रहे कि अज तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिहड़ी एक्टिव होगी पाकिस्तान तो हुंदी हुई वो पंजाब दे विच एंटर करूगी, जिहदे बाद मौसम दे विच एक बारी फिर जिहड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बीते दिनों दे विच लगातार हुई बारिश के करके काफ़ी नुकसान होया, आम जनजीवन अस्त व्यस्त होया, पर हुण आन वाले कुछ दिनों दे विच अगर असी गल करिए 18-19 पंजाब दे मालवा माझा रीजन दे विच हैवी रेनफॉल कह सकते हैं, हैवी रेनफॉल दा जिहड़ा अलर्ट जारी किया गया। उस तो अलावा चंडीगढ़, हरियाणा दे विच भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जिहड़ी उह कही जा रही है। लगातार मौसम विभाग लोगों नूं हिदायतां दे रहा है, एडवाइजरीज जारी कर रहा है कि पहाड़ी इलाकों का जिहड़ा है दौरा उह लोग रद्द करन, उहनां दे वल रुख ना करन, लोग प्लेन्स दे विच रहन, वाटर बॉडीज़ तो दूर रहन। तो IMD वालों यही है कि अगले आने वाले कुछ घंटियां दे विच बारिश का जिहड़ा दौर है वह फिर तो एक बार शुरू हो जाऊगा, जिहदे करके आम जनजीवन जिहड़ा फिर तो कितें ना कितें इफेक्ट हुंदा हुआ दिखेगा। गुरप्रीत,
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ